ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलर बाय ट्रांसप्लांट, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डायलिसिस से कर सकते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आर्टिफिशियल करनी हो डायरेक्टली? अब इस इन दोनों कामों में जब ट्रांसप्लांट करते हैं ना हम या डायलिसिस वगैरह करते हैं, तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी को, उसके लिए ना हम इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी भी मेंटेन करते हैं. क्यों? क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो रिजेक्ट ना हो जाए या उसकी लॉस ना हो जाए क्योंकि फंक्शन. अब इन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के ना साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. ये इन्फेक्शन और कैंसर के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं. डायलिसिस, अब डायलिसिस लाजमी नहीं है क्रॉनिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज में यूज़ हो. बाज़ अवकात एक्यूट किडनी इंजरी में भी हम डायलिसिस यूज़ करते हैं जब तब तक जब तक किडनी अपना फंक्शन रिज्यूम नहीं कर लेती. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ना हम जब डायलिसिस करते हैं ना तो डायलिसिस कंप्लीटली तो बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन को नॉर्मल नहीं करती ना. क्यों? क्योंकि वो फिर रिप्लेस तो नहीं करती सकती ना नॉर्मल किडनी को. तो इस तरह जो पेशेंट का हम आर्टिफिशियल किडनी से हम कर रहे हैं डायलिसिस, तो उसकी कंडीशन, उसकी जो हेल्थ है ना वो ख़राब ही रहती है. अब इसकी प्रिंसिपल की बात करें, डायलिसिस के प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, ब्लड एक तरफ से आ रहा है, ये डायलाइजर है, ये सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, ये हर कुछ आता इधर से अंदर बाहर आ रहा होता है सवाई प्रोटीन्स के. ठीक है, प्रोटीन्स के अलावा सब कुछ बाहर आ जा रहा होता है. अब इसकी जो रेट ऑफ मूवमेंट है ना, जो फ्लूइड ये जो मेम्ब्रेन है ये बड़ी करके दिखाई हुई है, ये साइडों पे फ्लूइड ये साइडों अंदर ब्लड होता है मेम्ब्रेन की कैविटी में और साइडों पे डायलाइजिंग फ्लूइड होता है. ठीक है, और ये अच्छा, अब ये जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सल्यूट है ना, मतलब सल्यूट किधर जाएगा, वो डिपेंड करता है चार चीज़ों पे. कंसनट्रेटेड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे, मतलब जिस तरह कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उस तरह फ्लूइड जाता जाएगा. इसके अलावा परमिएबिलिटी, मतलब परमिएबिलिटी भी डिपेंड करती है कि परमिएबल कितनी है, किस सल्यूट के लिए कितनी परमिएबल है. सरफेस एरिया मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा वो मूवमेंट होगी. और लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कितनी देर के लिए ब्लड यहाँ पे रहता है इस कॉन्टैक्ट विद द मेम्ब्रेन. जो इसमें क्या होता है कि जो हीमोडायलिसिस होता है ना, जो फ्लोइंग सिस्टम में हम कंसंट्रेशन चेंज कर लेते हैं, मतलब जिस हमें जो चीज़ जहाँ पे चाहिए ना उसके मुताबिक हम कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते हैं. अब डिफ्यूजन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो ब्लड है डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये उन दोनों के फ्लो रेट को ना तेज़ या कम करके कर सकते हैं. हमने कहा था ना कि लेंथ ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है कितनी देर तक वो वहाँ पे है. तो हमें अगर ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की फ़िल्टर करने की इतनी, तो वो वहाँ से जल्दी गुजार देंगे. अब वो कहते हैं कि ना हम नॉर्मली जो ब्लड होता है ना आ रहा होता है वेन और वापस जाई जा रहा होता है वेन में. ठीक है, वेन में वापस जाई जा रहा होता है, तो 500 ml से भी कम जो होता है ना आर्टिफिशियल किडनी में रहता है. ठीक है, और जो सरफेस एरिया टोटल डिफ्यूजन का सरफेस एरिया होता है वो 0.6 से 2.5 square meter होता है. अब ब्लड जब आर्टिफिशियल किडनी में होता है तो ब्लड जब बॉडी के बाहर होता है तो कोगुलेट हो सकता है, तो इसको कोगुलेशन से बचाने के लिए हम हेपरिन इस ब्लड में इन्फ्यूज़ करते हैं. ठीक है, इस डिफ्यूजन का एक मेथड होता है. इसके अलावा हम ना बल्क फ्लो और हीमोफिल्ट्रेशन भी करा सकते हैं. इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दिया जाता है और फोर्सफुली फ्लूइड और सल्यूट को ना मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवाया जाता है. इसको हम कहते हैं बल्क फ्लो या हीमोफिल्ट्रेशन. अब डायलाइजिंग फ्लूइड की बात करें, अब डायलाइजिंग फ्लूइड में ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये नॉर्मल प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है और ये यूरेमिक प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है. अब हम इसकी कंसंट्रेशन को ऐसे रखते हैं कि जो ग्रेडियंट है ना, जो हमने चीज़ रिमूव करवानी है वो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो और जो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है ना उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो. ठीक है, मतलब ये कम होगी तभी तो ऐड करनी है, जिसकी कंसंट्रेशन ऐड करनी है वो यहाँ पे ज़्यादा हो और जो कम ऐड नहीं करनी वो यहाँ पे जीरो कम हो. जैसा कि हम बात करें कि ये फॉस्फेट, यूरेट और सल्फेट, इसके अलावा यूरिया और क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन डायलिसिस फ्लूइड में ये एब्सेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि हमने
तो इसको रिमूव करवाना होता है ना नॉर्मल प्लाज्मा से भी, और अगर तो पेशेंट यूरेमिक है तो उधर से भी हमने रिमूव ही करवाना है, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस है आर्टिफिशियल किडनी की, वो हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस, ये प्लाज्मा की वो अमाउंट जो सब्सटेंसेस से क्लियर ऑफ हो गई है, मतलब अमाउंट ऑफ प्लाज्मा दैट इज क्लियर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ईच मिनट, एक मिनट में जितना हुआ है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ना, ये 100 to 255 पर मिनट क्लियर कर देती है यूरिया को। ये जो मिकदार है ना 100 to 225 पर मिनट, ये मिकदार ये सिंगल आर्टिफिशियल किडनी की भी, हमारी जो नॉर्मल किडनी होती है ना दोनों, उसकी क्या होती है 70 पर मिनट, उससे दुगना काम करती है। मतलब हमारी दोनों किडनी से भी ये सिंगल दुगना काम करती है। कहते हैं वैसे तो इसके इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल किडनी उसको रिप्लेस तो नहीं ना कर सकती, क्योंकि हमें वीक में 3 करना पड़ता है डायलिसिस, और ये पेनफुल भी होता है, और 3 करना पड़ता है, और एक दिन में 4 to 6 तक करना पड़ता है। इसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल किडनी है, किडनी के और भी बहुत से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि जो रिथ्रोपोइटन है वो तो हमारे आरबीसी के लिए चाहिए होती है, और वो तो नॉर्मल किडनी से ही होती है, वो आर्टिफिशियल किडनी से नहीं प्रोड्यूस होती है।